तो बेटा हमारी जो गिनती है 206 हड्डियों की चल रही है, उसमें हमने सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में अपनी 80 बोन्स का हमने पूरा का पूरा हिसाब किताब रख लिया है कि कौन सी बोन्स कहाँ पर हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोन्स हैं। एक बार पहले डायग्राम देखते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप इसमें देखें, जो पार्ट कलर्ड है वो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो अभी कलर्ड नहीं है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसे हमने कहा था एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने कहा था दो तो लेम्स होंगे अपर, दो होंगे लोअर लेम्स, तो चार लेम्स का जो स्केलेटन है वो आएगा। और एक हमने कहा था पेल्विक गर्डल, और एक हमने कहा था शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन के। सो ये जो बीच में बच गया था ये हम पढ़ चुके हैं, ये जो है वो एक्सियल स्केलेटन है, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो आपको कलर दिख रहा है वो कैसा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो अगर मैं आपको इस स्केलेटन में आपको दिखाऊं, तो मैंने आपसे कहा कि ये वाला पार्ट तो एक्सियल स्केलेटन था, ये लिम्ब है अपर लिम्ब, एक और अपर लिम्ब, ये दो अपर दो लोअर लिम्ब्स, ये चारों लिम्ब बना करके लिम्ब का स्केलेटन बनाएंगे, और पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल ये मिलकर के क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब हम काउंट करते हैं उन बोन्स को जो कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। सो लुकिंग एट द बोन्स ऑफ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो हम बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने आपसे कहा कि एक तो आपके लिम्ब्स का स्केलेटन है, दूसरा आपके गर्डल्स का स्केलेटन है। लिम्ब्स में आपके अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है, गर्डल में आपके पास पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल है तो हम ये देख रहे हैं कि ये कौन कौन सा पार्ट है। अब आप इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपर लिम्ब के बारे में बताता हूँ। तो ये आपका अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब में जब मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ, बायोलॉजी के हिसाब से जब मैं इनका नाम रखूंगा, तो शोल्डर से एल्बो के बीच के पार्ट को आप कहेंगे आर्म, एल्बो से रिस्ट के बीच के पार्ट को आप कहेंगे फोर आर्म। तो ये क्या चीज है? फोर आर्म। ये क्या है? आर्म है। और इस चीज को आप कहेंगे रिस्ट, और रिस्ट के बियॉन्ड जो मैं ये पार्ट हिला रहा हूँ इस पार्ट को हम कहेंगे हैंड। तो ये पूरा हैंड नहीं है। तो हमने क्या कहा? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये क्या है? आर्म है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये क्या है? फोर आर्म है। इस पार्ट को मैंने क्या कहा है? रिस्ट। और रिस्ट के बियॉन्ड मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? हैंड कहा है। तो अगर मैं स्केलेटन में देखूँ तो ये वाली बोन आर्म में होगी, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट फोर आर्म होगा। इस जगह पर आपके क्या होगी? रिस्ट होगी। और रिस्ट के बियॉन्ड जो आपको चीज दिखाई दे रही है वो क्या होगा? हैंड होगा। तो एक बार रीकैप करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आर्म, यहां से यहां तक रिस्ट तक आपके पास क्या होंगी? फोर आर्म। इस जगह को आपने क्या कहा है? रिस्ट कहा है। और रिस्ट के बियॉन्ड जो पार्ट है उसको आपने क्या कहा है? हैंड कहा है। तो बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं कि आपके आर्म में केवल एक बोन है, इस बोन को हम ह्यूमरस कहते हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा। इस बोन को हम कहते हैं ह्यूमरस। आपकी फोर आर्म में कितनी बोन्स हैं? दो बोन्स हैं, एक को आप कहते हैं रेडियस, एक को आप कहते हैं अल्ना, इसको हम बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या देखा है कि आर्म में कितनी बोन्स हैं? एक बोन है। और फोर आर्म में कितनी बोन्स हैं? दो बोन्स हैं, और एक को मैंने कहा है रेडियस, एक को मैंने कहा है अल्ना। उसके बाद मैं आ रहा हूँ रिस्ट पर। रिस्ट की जो बोन्स हैं इनको हम कहते हैं कार्पल बोन्स। ये चार चार बोन्स की दो रोज होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स वुड बी एट। और इसके बियॉन्ड जब आप देखेंगे हैंड में देखेंगे तो इस पार्ट को आप कहते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बियॉन्ड होंगे फेलेंजेस, तो अगर हम देखें एक बोन आर्म में, दो बोन फोर आर्म में, आठ बोन मैं कहाँ बता रहा हूँ आपको? रिस्ट में। पांच आपके पास क्या है? ये कार्पल बोन्स हैं। पांच क्या है? मेटाकार्पल्स हैं। यू कैन सी, अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ता हूँ तो आप लिम्ब का स्ट्रक्चर ज़्यादा ध्यान से देख सकेंगे। मैं साइड ऑन आपको दिखाता हूँ, तो अगर आप साइड ऑन देखेंगे तो ये एक बोन आर्म की, ये दो बोन्स किसकी? फोर आर्म की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये चार बोन्स, 1 2 3 4, ये चार बोन्स। तो चार बोन्स दो रोज में, टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगी 8, इनको हम कहेंगे कार्पल्स। ये वाला पार्ट ये बेटा कार्पल है, और इसके बियॉन्ड ये जो आपकी फिंगर्स में होते हैं इनको हम कहते हैं फेलेंजेस। तो अगर मैं अपनी बॉडी में देखूं तो यहां पर एक बोन आर्म, यहां पर दो बोन्स फोर आर्म, यहां पर हमारी रिस्ट में कार्पल बोन्स कितनी है? 8 है। 5 मेरे पास क्या है? मेटा कार्पल है, और कुछ मेरे पास क्या है? फेलेंजेस है। मेरे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 5 हैं। यू कैन
see 1, 2, 3, 4, 5. So that means the human being has a pentadactyl limb. कितने limbs? क्या कौन सा limb है? Penta. Penta मतलब हो गया 5. Dactyl मतलब 5 digits. तो आपके upper limb में और lower limb में कितनी digits हैं? 5 digits हैं. तो इसीलिए आपके limb में, limb का जो skeleton है वो कैसा है? Pentadactyl है. या actually आपका limb कैसा है? Pentadactyl है. तो अगर मैं pentadactyl limb की बात करूं, तो ये आप देख रहे हैं arm में एक bone है. आर्म में नंबर ऑफ बोन्स इज 1. अगर आप देखें फोर आर्म, तो फोर आर्म में मैं आपको बता चुका था टोटल नंबर ऑफ बोन्स 2 है. देर आर 2 बोन्स इन फोर आर्म. देन आई टोल्ड यू दैट एट द रिस्ट, एट द रिस्ट व्हाट आर कॉल्ड एज कार्पल्स, द टोटल नंबर इज 8. द टोटल नंबर इज 8. एंड इफ यू सी द मेटाकार्पल्स इन योर हैंड, ये हैंड का मैं बना रहा हूं स्केलेटन, दिस वॉज 5. यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स इज 1, 2, 3, 4, 5. एंड इफ देन बियॉन्ड द मेटाकार्पल आर द फैलेंजेस. फैलेंजेस आपके किस में है? इस इफ डिजिट्स में है. तो अगर आप ये देखें, ये जो चार डिजिट्स है इसमें 1, 2, 3, तीन तीन फैलेंजेस ईच में है, तो टोटल हो गई 12. और इसकी आपकी फर्स्ट डिजिट में कितने हैं? 2 फैलेंजेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस कितने हो गए? 14. सो फैलेंजेस का नंबर कितना हो गया है? 14 हो गया है. तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अपर लिम में जो बोन्स हैं, आर्म में 1, फोर आर्म में 2, रिस्ट में 8, मेटाकार्पल कितने? 5, और फैलेंजेस कितने? 14. तो अगर हम इसको काउंट करें, 14 प्लस 5 वुड बी 19, 19 प्लस 8 वुड बी 27, 2 इज 29 एंड 1 इज 30. तो आपके एक अपर लिम में कितनी बोन हो गई बेटा? 30 बोन्स हो गई. और आपके पास कितने अपर लिम्स हैं? 2 अपर लिम्स हैं. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपर लिम्स कितनी हो गई हैं? 60 हो गई हैं. तो अब हम देखेंगे लोअर लिम. अब हम देखते हैं लोअर लिम में आपके पास क्या क्या बोन्स हैं. तो अगर आप लोअर लिम्स के पार्ट की बात करें, तो यहां पर हिप से लेकर के नी तक, इस पार्ट को आप कहेंगे थाई. इस पार्ट को आप थाई कहते हैं, पूरा चीज लेग नहीं है. और यहां से लेकर के और एंकल तक के पार्ट को आप कहते हैं लेग, इस पार्ट को आप कहते हैं एंकल, और एंकल के बियॉन्ड आप कहते हैं फुट. तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हिप से लेकर के नी तक, यहां पर ये जो पार्ट होगा इसको आप कहेंगे थाई, थाई के बियॉन्ड जो ये पार्ट होगा इसको आप कहेंगे लेग, इस पार्ट को आप कहेंगे एंकल, और एंकल के बियॉन्ड जो पार्ट होगा उसको आप क्या कहेंगे? फुट कहेंगे. तो अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉजी लूं, तो आर्म की जगह यहां पर क्या आ गया है? थाई. और थाई फोर आर्म की जगह यहां पर क्या आ गया है? लेग. रिस्ट की जगह क्या आ गया है? एंकल. और उसके बियॉन्ड क्या चीज हो गई है? यहां पर ये हैंड था, ये हैंड था, तो यहां पर क्या हो गया है? फुट. और फुट में भी आपके पास क्या होंगे? मेटा टार्सल्स, अब की बार हम कहेंगे इनको, और फैलेंजेस. और क्या कहेंगे? फैलेंजेस कहेंगे. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. मुझे ये समझ में आ गया है कि ये जो ग्रॉस एनाटॉमिकल नेम्स मैं यूज कर रहा हूं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के, इनका मतलब क्या है. अब आप देख सकते हैं, ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, इसको फीमर कहते हैं. दिस इज द सिंगल सॉलिटरी बोन इन योर थाई. सो थाई में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई बेटा? 1 बोन हो गई. सो यू कैन सी द एनालॉजी हियर. आर्म में कितनी बोन थी? 1. थाई में भी मैंने क्या कहा कितनी बोन्स है? 1 है. फोर आर्म में यहां पर कितनी बोन्स थी? 2. सो लेट अस लुक व्हाट आर द नंबर ऑफ द बोन्स इन योर लेग. तो अगर आप लेग में देखें बड़े ध्यान से साइड में, तो आपके पास ये 2 बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं. तो इसका मतलब लेग्स में कितनी बोन्स हैं बेटा? 2 बोन्स हैं. सो दैट मींस अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द अपर लिम आर्किटेक्चर एंड द लोअर लिम आर्किटेक्चर. और यहां पर फोर आर्म में 2 बोन्स थी, यहां पर लेग में कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स हैं. डिफरेंस आएगा यहां पर रिस्ट पे, जिसको मैंने कहा था कार्पल बोन्स. क्या कहा था? कार्पल बोन्स. वो नंबर कितना है? 8. यहां पर एंकल में जो बोन्स हैं इनको आप कहेंगे टार्सल्स, और ये टार्सल्स का नंबर है 7. ये टार्सल्स का नंबर है 7. तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इस जगह को मैं कह रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं क्या कह रहा हूं? एंकल कह रहा हूं. और इस एंकल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 7. 1, 2, 3. अगर मैं आपको थोड़ी देर में इसको काउंट करूंगा, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है ये 7 बोन्स है. सो डिफरेंस क्या आया है कि आपके जो अपर लिम्ब में जो रिस्ट है उसमें 8 कार्पल्स हैं, और लोअर लिम्ब्स में जो एंकल है उसमें कितने टार्सल्स हैं? 7 टार्सल्स हैं. उसके बाद आप आ गए फुट पर. फुट में आप देखेंगे कि आपके पास मेटाटार्सल कितने हैं?
है, 5 है, जैसे कि यहाँ पर मेटाकार्पल्स कितने थे, 5 थे। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो अगर हम इसको देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, मेटाटार्सल। इसके बियॉन्ड अगेन देयर विल बी 14 फैलेंजेस। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस कितने हैं, 14 हैं। तो अगर आप देखें अपर लिम में भी फैलेंजेस 14, लोअर लिम में भी फैलेंजेस 14, यहाँ पर मेटाकार्पल्स 5, यहाँ पर मेटाटार्सल्स 5, यहाँ पर फोर आर्म में 2 बोन्स, यहाँ पर लेग में 2 बोन्स, यहाँ पर आर्म में 1 बोन, यहाँ पर थाई में 1 बोन। डिफरेंस कहाँ आया है, पहला कि रिस्ट में यहाँ पर कार्पल्स कितनी है, 8, और एंकल में यहाँ पर टार्सल्स कितने हैं, 7। तो आप समझ सकते हैं अगर ये नंबर 30 था तो अभी तक ये नंबर केवल कितना हुआ है, 29। मुझे अभी एक बोन को और ढूंढना है, और वो बोन मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर है। ये बोन बड़े ध्यान से देखिए, ये आपका नी जॉइंट है, ये आपका नी जॉइंट है, और इस नी जॉइंट पर ये जो बोन होती है, ये जो पर्टिकुलर बोन होती है जिसे आप कहते हैं नी कैप बनाती है, इस बोन को हम कहते हैं पटेला। इस तरह की कोई कॉरस्पॉन्डिंग बोन अपर लिम में नहीं है, और ये बोन आपको कहाँ दिखाई देगी, लोअर लिम में। तो यहाँ पर जो एक बोन आपको दिखाई दे रही है, ये जो फ्रीली मोबाइल है, जिस बोन को मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूँ स्केलेटन में, इस बोन को हम कहते हैं पटेला। सो दैट मीन्स द 30th बोन इज एक्चुअली पटेला। पटेला इज वन, एंड पटेला फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड एज द नी कैप। पटेला क्या फॉर्म करती है, नी कैप। तो अब मैं अगर इसको काउंट करूंगा तो अगेन दिस नंबर विल कम टू 30। यू कैन सी 14 + 1 = 15 + 5 would be 20, 20 + 7 would be 27, 29 and 1, this is 30. Again, you have 2 lower limbs, so total number of bones would be 60 again. So, हमने बेटे 60 bones देखी हैं 2 upper limb में, और 60 bones देखी हैं 2 lower limb में, और ये 60 + 60 कितना हो गया है, 120. मैं 80 bones पहले ही देख चुका हूँ किसमें, axial skeleton में, so 80 + 20 would be 200. So, अब हमारे पास केवल 6 बोन्स का हिसाब किताब रह गया है। हम देख चुके हैं कि आपकी 206 में से 200 बोन्स कैसे लोकेटेड हैं। तो अब हमें देखना यह है कि ये जो बची हुई 6 बोन्स हैं ये कहां पर हैं। ऑब्वियसली लॉजिकल थिंकिंग की बात है कि ये जो बचे हुए 6 बोन्स हैं ये मेरे को गर्डल में दिखाई देंगी। So now we will look at the second part of the appendicular skeleton, which is called as the girdle skeleton. और मैं ये देख रहा हूँ कि इस girdle में मुझे कितनी bones दिखाई देंगी, 6 bones दिखाई देंगी। जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि girdle 2 होते हैं, एक को आप कहते हैं shoulder और दूसरे को आप कहते हैं hip girdle. Shoulder girdle के लिए मैंने नाम रखा था pectoral girdle, और इसके लिए मैंने नाम रखा था pelvic girdle. तो मैं बेटे यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन गर्डल्स में आपकी कौन कौन सी बोन्स हैं। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में टिल्ट करता हूँ दोबारा, तो आप देखिए ये आपकी एक बोन, ये कॉलर बोन है, इसमें आकर के ये बोन फंस रही है, ये वाली बोन है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। ये स्कैपुला आपका शोल्डर ब्लेड बनाती है, और इसमें एक कैविटी होती है जिसमें हेड आकर के ह्यूमरस फंसता है। तो इसका मतलब आपने इसको इससे जोड़ा, और इसको आपने इस कॉलर बोन से जोड़ा, और उसको आपने स्टर्नम पे जाके अटैच किया। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने अपर लिम की इस बोन को सस्पेंड कर दिया है एक्सियल स्केलेटन से विद द हेल्प ऑफ दीज 2 bones ऑन 1 side. दिस बोन इज कॉल्ड एज द क्लेविकल और द कॉलर बोन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्कैपुला और द शोल्डर ब्लेड। तो इसका मतलब पेक्टोरल गर्डल में एक तरफ कितनी बोन्स होती हैं, 2, तो दोनों तरफ मिलाकर के कितनी बोन्स हो जाएंगी, 4 bones हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि पेक्टोरल गर्डल में आपके पास कितनी बोन्स हैं, 2 on either side, एंड बिकॉज यू हैव 2 pectoral girdles, सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स वुड बी फोर. अब हम बात करेंगे हिप गर्डल की। अगर आप हिप गर्डल में देखें तो एक ये बोन है, ये बोन इधर अटैच हो रही है इस थाई बोन से, और यहाँ पर अटैच हो रही है सेक्रम से। सो इसकी वजह से ये थाई बोन को अटैच कर रही है किसके साथ में, एक्सियल स्केलेटन के साथ में सस्पेंड कर रही है। तो इस बोन को हम कहते हैं कॉक्सा या हिप बोन, और एक हिप बोन ये रही, तो टोटल नंबर ऑफ हिप बोन्स कितनी हो गई, 2 हो गई। इन बोन्स को मैंने क्या कहा है, कॉक्सा कहा है। ये एक्चुअली 3 bones के फ्यूजन से बनती है, और ये फ्यूजन फिर फीटल लाइफ में होता है, और इन 3 bones को हम कहते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 bones मिलकर के जो एक बोन बनाती हैं, इसको हमने कहा कॉक्सा बोन या हिप बोन, और ये इधर एक गर्डल में और एक गर्डल में इधर ये रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों क्या हो गई हैं, दोनों बोन्स किस में है, हिप गर्डल में है। ये दोनों आप समझ सकते हैं ये क्या थे, शोल्डर गर्डल। यहां मैंने आपको दिखाया था क्या चीज, शोल्डर गर्डल में कौन सी बोन्स, स्कैपुला, और यहां पर मैंने आपको दिखाया था क्लेविकल, और ये 2 bones जो कॉक्सा बोन्स हैं ये किस में है,
पेल्विक गर्डल में। तो मैंने ये सीखा कि इस पेल्विक गर्डल में मेरे पास कितनी बोन्स हैं, 1 into 2, एक बोन ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई है, 2, और 2 का मतलब ये हो गया कि आपकी गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स विल बी 4 + 2 = 6। तो मैंने यहां पर लिखा है कि गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 6। नाउ दिस विल मेक माय लिस्ट कंप्लीट एंड नाउ आई विल बी हैप्पी, आई हैव अकाउंटेड फॉर ऑल द 206 बोन्स ऑफ माय बॉडी। सो दैट मींस नाउ वी नो हाउ आर स्केलेटन, हाउ इज आर स्केलेटन ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्केलेटन, व्हाट आर द वेरियस नंबर ऑफ द बोन्स इन ईच ऑफ द सब कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ आर स्केलेटन। तो ये पूरी काउंटिंग के बाद में अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हमारा एक्सियल स्केलेटन में खास तौर पे, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि स्कल जिसे मैंने कहा था उसमें कौन कौन सी बोन्स हैं और वो कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जो कि स्कल बोन्स पे बड़े इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।